close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं ग्रेट राजस्थान यूट्यूब वीडियो चैनल, जो कि एक टेक्निकल चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये बेल नोटिफिकेशन भी आपको ऑन कर लेना है, ताकि ऐसे ही नए वीडियो जो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू चालू करते हैं। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग, तो ये इसका बॉक्स है फ्रेंड्स, जो E-Blue से हमें मिला है और हमने Banggood.com से ख़रीदा है। और बेस्ट मैकेनिकल और RGB कीबोर्ड का कॉम्बो है फ्रेंड्स ये। और हमने इसकी पैकिंग तो खोल ली है और अब इसको हम ओपन करके देखते हैं इसका बॉक्स, कि हम बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है और किस टाइप की क्वालिटी है इसकी। चलिए इस टाइप में इसको अनबॉक्स करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें मिली है यूज़र मैनुअल गाइड, कुछ इस टाइप की है जो आप देख सकते हैं। ये बताया हुआ है कि CPU में कहाँ लगानी है, कि USB प्लग एंड प्ले डिवाइस है। और चलिए इसे साइड में रख देते हैं और कीबोर्ड को निकाल देते हैं। तो कीबोर्ड को काफ़ी सेफली रखा गया है और फ्रेंड्स रियली काफ़ी हैवी है वेट में कीबोर्ड, और कीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। वायर की क्वालिटी भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है जो एक कीबोर्ड की होनी चाहिए, जो कनेक्टिविटी और एक अच्छी सेंसिंग केबल दी गई है इसमें। तो चलिए बॉक्स को साइड में रख देते हैं और कीबोर्ड को देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स ये है USB मैकेनिकल RGB कीबोर्ड। फ्रंट से कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नमपैड भी अलग से दे रखा है ताकि ये लॉन्ग कीबोर्ड यानी फुल कीबोर्ड है। ओके, और ये है E-Blue से आया है, E-Blue कंपनी का है, हमें Banggood.com से परचेज़ किया हमने। और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, ये इसका बैक इस टाइप में है, इसको हम हाइट एडजस्टिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रहा है फ्रेंड्स ये। जैसे हमने टेबल पे से रख दिया, एक बहुत ही मतलब प्रीमियम। अब इसको चालू करके देखते हैं हम फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स हमने रूम की सारी लाइट्स, एक्चुअली लगभग सारी लाइट्स बंद कर दी है, और इसकी ताकि हमें देख सकें इस कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी, इसकी लाइटिंग क्वालिटी कैसी है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी लाइटिंग, प्रीमियम लाइटिंग मिल रही है इसमें, और कीज़ भी एकदम अंधेरे में भी एकदम साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें हम फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्टैंड बाई लाइट्स ऑन रखी है सारी, तो इसमें फंक्शन चेंज करने का जो मेथड है वो है फंक्शन की प्लस इंसर्ट। इसमें देखिए सारी, अब जैसे जैसे हम जो कीज़ दबाएंगे उसी कीबोर्ड में की लाइट्स आएगी। ये देखिए, तो ये काफ़ी एक हाईली गेमर्स के लिए बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है, और इससे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता। बट इसकी आवाज़ से एक मैकेनिकल जो कीबोर्ड की आवाज़ आनी चाहिए वो आवाज़ आ रही है, बहुत ही बेस्ट लग रही है। और जैसे हमें वापस इसका फंक्शन चेंज करना है, इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं फ्रेंड्स। इसमें जैसे ये रेनबो टाइप में आ गया, और इसमें और देखेंगे फंक्शंस काफ़ी है, लाइटिंग इफेक्ट्स हैं इसमें। ये कुछ इस टाइप में हमें आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा है कीबोर्ड फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा Banggood.com का, वहाँ से आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस बजट में ये बेस्ट कीबोर्ड है, जो RGB और मैकेनिकल का कॉम्बो है, जो हर एक यूट्यूबर के लिए होना चाहिए, एक डेस्क की कहे तो शोभा बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, बार बार करना, काफ़ी लाइक्स करना, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।